Hello aspirants, this is Ahir and I welcome you back to SSB Crack Exams. United Nations Environment Program एक लौता ऐसा UN agency है जिसका headquarters किसी western country में नहीं बल्कि एक African country Kenya के headquarters Nairobi में situated है. लेकिन वहाँ पर recently Intergovernmental Panel on Climate Change के elections हुए हैं. एक नए chair को नए members को वहाँ पर elect किया गया और इसी के साथ साथ एक नया assessment cycle, 7th assessment cycle start हो चुका हुआ है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये असेसमेंट साइकिल्स और असेसमेंट रिपोर्ट्स होते क्या हैं, क्योंकि कई बार हम न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में और हमारे टेक्स्ट बुक्स में भी इन असेसमेंट रिपोर्ट्स का रेफरेंस कई बार देखते हैं. तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं. तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल में छाया हुआ था कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC ने जुलाई 28 को उनके इलेक्शंस कंक्लूड किए और विद दिस कंक्लूजन 7th असेसमेंट साइकिल हमें यहां पर स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा. और ये इलेक्शंस जो है वो केन्या के कैपिटल नैरोबी में हुए थे क्योंकि वहीं पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी है और ये 59th सेशन था IPCC का और जुलाई 25 को इलेक्शन स्टार्ट हुए थे. अब यहाँ पर नए चेयर को इलेक्ट किया गया है और सस्टेनेबल एनर्जी के प्रोफेसर जो कि इंपीरियल कॉलेज लंदन में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर जेम्स की या फिर प्रोफेसर जिम्स की, तो इन्हें यहाँ पर नया IPCC का चेयर इलेक्ट किया गया. आप यहाँ पर उनकी इमेज देख सकते हैं. और मोर ओवर यहाँ पर साथ ही साथ 3 नए वाइस चेयर्स को भी इलेक्ट किया गया है और कई सारे नए मेंबर्स को IPCC के ब्यूरो में ज्वाइन भी करवाया गया है एज मेंबर्स. और 12 नए मेंबर्स का भी यहाँ पर इलेक्शन हुआ है फॉर टास्क फोर्स ब्यूरो और नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंट्रीज. अब यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं आपको IPCC के बारे में बताता हूँ. तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में एस्टेब्लिश किया गया था. दो बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ इसके पीछे था, एक था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है UN एनवायरमेंट प्रोग्राम. अब IPCC की खासियत यह है कि दुनिया भर के मोस्ट अथॉरिटेटिव सोर्सेस माने जाते हैं साइंटिफिक नॉलेज के बेसिंग के साथ, खासकर क्लाइमेट चेंज पर. तो ये IPCC जितने भी रिपोर्ट्स, कॉम्प्रेहेंसिव असेसमेंट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है वो दुनिया की हर सरकार एक्सेप्ट करती है, यूनाइटेड नेशन की हर एजेंसी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज के बैकिंग के साथ ये क्लाइमेट रिपोर्ट्स वगैरह, दी क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स वगैरह दिए जाते हैं. तो दिस इज वन सच रीजन वाई IPCC इज कंसिडर्ड टू बी सो मच क्रूशियल. अब तक 6 असेसमेंट रिपोर्ट्स यहाँ पर रिलीज किए जा चुके हुए हैं और 6th असेसमेंट रिपोर्ट का फाइनल सिंथेसिस रिपोर्ट जो है वो मार्च 2023 को रिलीज किया हुआ था. और अब जो कि नए इलेक्शन, नया चेयर आया हुआ है, सो बिकॉज ऑफ दैट नया असेसमेंट साइकिल, नया असेसमेंट रिपोर्ट के लिए अब यहाँ पर काम चालू होगा, दैट इज 7th असेसमेंट साइकिल. अब यहाँ पर असेसमेंट का साइकिल और असेसमेंट का रिपोर्ट देने के लिए जो चेयर को हमने चूज किया IPCC का चेयर, वो दरअसल करता क्या है. देखिए, इस चेयर के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनमें एक रेयर कॉम्बिनेशन होता है, वो साइंटिफिक एज वेल एज डिप्लोमेटिक स्किल्स उनके पास होते हैं. साइंटिफिक स्किल्स की मदद से वो बहुत ही जबरदस्त से रिपोर्ट्स, समरीज वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं क्लाइमेट चेंज पर खासकर, और साथ ही साथ दुनिया भर के जितने भी देशों की सरकारें हैं उनका अप्रूवल भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं. यानी कि रेयर कॉम्बिनेशन है, एक तो साइंटिफिक का, दूसरा डिप्लोमेटिक स्किल्स का. अब हर असेसमेंट साइकिल जो है वो यूजुअली 5 से 7 साल के बीच होता है. अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से रिपोर्ट्स वहां पर प्रोवाइड किए जाएंगे. लगभग जो कोई भी IPCC का चेयर है वो 2 से ज्यादा टर्म्स यहाँ पर सर्व नहीं कर सकता. ये रिकॉर्ड एक भारतीय के नाम पर ही है, RK पचौरी जी. ये इकलौते ऐसे IPCC के चेयर रहे हैं 2 टर्म्स के लिए, 4th एंड 5th असेसमेंट साइकिल्स ऑफ IPCC जो कि 2002 से 2015 के बीच हुए थे. और अब ये असेसमेंट के साइकिल्स क्या हैं, अब जो कि नए इलेक्शंस यहाँ पर खत्म हो चुके हुए हैं तो एक नया असेसमेंट साइकिल यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो चुका हुआ है. तो इनके प्रेडिसेसर की तरह ही ये 7th असेसमेंट साइकिल भी 5 या 7 साल तक ये कंटिन्यू चलेगा, इसी तरीके से ये एक्सटेंड होगा. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इस असेसमेंट साइकिल का, ये IPCC का चेयर जो है और साथ साथ ब्यूरो के जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑथर्स को सेलेक्ट करेंगे, एक्सपर्ट्स को सेलेक्ट करेंगे. और ये ऑथर्स और एक्सपर्ट्स होंगे कौन, ये वही नॉमिनेटेड लोग होंगे जो देशों की अलग अलग सरकारें यहाँ पर उन्हें नॉमिनेट करती हैं, अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज वगैरह हो गए, ये सभी इन एक्सपर्ट्स को यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं और तब जाकर इनका सिलेक्शन यहाँ पर होता है. और यही वो एक्सपर्ट्स लोग हैं जो आगे जाकर रिपोर्ट्स वगैरह बनाएंगे, और यही वो ऑथर्स हैं जो अपने सेलेक्टिव एक्सपर्टाइज की मदद से कई सारे रेंज ऑफ साइंटिफिक, टेक्निकल और सोशो इकोनॉमिक व्यूज ये लोग रखते हैं, और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखते हैं, जेंडर बैलेंस को भी मद्देनजर रख के ये IPCC के उन ब्यूरो के मेंबर्स को चूज किया जाता है. और इनके सिलेक्शन के बाद ही यहाँ पर रिपोर्ट, समरीज वगैरह लिखने का काम चालू होता है. लेकिन एक चीज आपको यहाँ पर याद करनी है या फिर याद रखनी है कि IPCC खुद का कुछ रिसर्च नहीं करता. देखिए, ऑलरेडी दुनिया में कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं, कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खुद यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम दिन रात इस पर काम करता है.
तो आईपीसीसी करेगा क्या, जितना भी एक्सपर्टाइज अवेलेबल है, जितने भी रिपोर्ट्स डाटा वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, बस उन्हें लेकर बैठेगा और असेस करेगा। थाउजेंड्स ऑफ साइंटिफिक पेपर्स इनके पास जो हर साल पब्लिश होते हैं, उन सभी को लाकर दिया जाता है और ये सभी करते क्या है, बैठकर डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं, इन्हें फैक्ट चेक्स वगैरह सभी करने के बाद ये एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट पब्लिकेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ खासकर जो कि क्लाइमेट चेंज पर ही इनके रिपोर्ट्स वगैरह होते हैं, तो हमें कॉम्प्रेहेंसिव समरी भी यहाँ पर मिल जाती है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज आगे बढ़ रहा है, उसके इंपैक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर वगैरह के रिस्क क्या क्या होंगे, और साथ ही साथ हम इन्हें मिटिगेट किस तरीके से कर सकते हैं, नए नए अडेप्टेशन स्ट्रेटजीज वगैरह भी, इन रिस्क से खिलाफ किस तरीके से हम लड़ सकते हैं, उसके बारे में भी ये असेसमेंट रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए सीडीएस एफकैट एंड वॉरियर रिटर्न इज अ कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन स्टे हेल्थी स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।